दोस्तों दिवाली का टाइम आ रहा है, हम सब दिवाली की तैयारी में लगे रहते हैं, कोई ना कोई सब लगे रहते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम दिवाली की तैयारी कैसे करते हैं, कुछ डेकोरेट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों जब भी हम दिए को जलाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जब हम न्यू दिया लेके आते हैं तो दिया को क्या करना है, हमें अच्छी तरीके से पानी में धुल के निकाल देना है, जितने भी दिए आप इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, अब देखिए मैंने अच्छी तरीके से 3 से 4 दिए को अच्छी तरीके से धुल दिया है। चाहे तो धुलने के बाद आप इसको धूप दिखा देना है। इससे अब क्या होगा कि आपका दिया ज़्यादा तेल नहीं सोखेगा और बहुत ही साफ़ सुथरा तेल रहे, अच्छी तरीके से दिया रहेगा। अब चलिए जब तक दिया सूख रहा है जब तक हम बाती बना लेते हैं। तो लंबी वाली बाती बना लेते हैं, जो अखंड ज्योत में बाती जलती है वो भी आज मैं बताऊंगी और लंबी जो बाती रहती है वो भी बताऊंगी। तो देखिए बाती बनाने का बहुत ईजी और आसान तरीका है। इस तरीके का मैंने अगरबत्ती का स्टिक ले लिया है, चाहे तो ऊपर वाला ये जो पार्ट है इसको छुड़ा भी सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं। तो देखिए जो लंबी बाती बनाना है क्या करना है, जो रुई को है ना थोड़ी सी इसको लंबी ले लेना है, नहीं तो आप छोटा बनाना चाहते हैं तो बस छोटा बना ले सकते हैं इस तरीके से। और एक चकला ले लेना है, चकले को अच्छी तरीके से धुल लेना है। अगर चकला नहीं है तो आप चॉपिंग बोर्ड भी अच्छी तरीके से धुल के साफ़ सुथरा से बना सकते हैं। तो अब देखिए ये मेरी बाती बहुत इजीली तरीके से बन जाती है और थोड़ा सा अपने हाथों पे रख के इसको प्रेस कर सकते हैं। चाहे तो आप घी ले सकते हैं थोड़ा सा, चाहे तो हल्दी और दूध भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि बाती काफ़ी अच्छी तरीके से बन जाता है। अब देखिए मैं जो रुई है बहुत ही कम मात्रा में ली हूँ। तो दोस्तों दीपावली की तैयारी में कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी को बाती भी नहीं बनाने आता है और बाती बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है। बस इस तरीके से स्टिक रखना है और इस तरीके से बाती को बना लेना है। अब देखिए इस तरीके से हमारी बाती बहुत इजीली तरीके से बन जाती है और हाथों से हल्का सा प्रेस कर देना है। अगर नहीं भी करेंगे तो आप स्टिक पर ही अच्छी तरीके से जब प्रेस करेंगे तो बहुत इजी तरीके से ये हमारा ये बाती बन के रेडी हो जाता है। तो मैं ये जो बाती मैंने बनाया है ये थोड़ी बड़ी है तो मैं इसको कटिंग भी करूँगी। तो चलिए 3 से 4 बाती मैं इसको बना लेती हूँ। और दोस्तों दीपावली का जब तैयारी हो रही है तो आज मैं दिया जला के आपको दिखाऊंगी, ना ही घी ना ही तेल, सिर्फ पानी से मैं दिया जला के दिखाऊंगी। तो दोस्तों वीडियो को फूल बात ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों दीपावली के समय हम सोचते हैं कि दीपक को किस तरीके से अपने घर में डेकोरेट करें, तो डेकोरेट भी करना मैं बताऊंगी कि इस तरीके से जो दिया है मैं कैसे जलाऊंगी बिना घी बिना तेल से, पानी से सिर्फ दिया को जला के दिखाने वाली हूँ। तो चलिए 3 से 4 बत्ती हमारी बन चुकी है। अब बत्ती बनाने के बाद मैं आगे की भी प्रोसेस बताऊंगी कि मुझे इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब देखिए 1 मिनट मैं इसको साइड रख देती हूँ जो बच चुका है। और ये जो मैंने लंबी सबसे बत्ती बनाई है ये अखंड ज्योत बनाई है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो लंबी बत्ती बनती है वो जैसे कि देवियों को होती है, देवी को होती है लंबी बत्ती, और जो देवता लोग होते हैं उनके लिए गोल बत्ती होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जो हम देवी के नाम से बत्ती जलाते हैं उनके लिए बिल्कुल सेम यही बत्ती होती है, और जो गोल बत्ती जलाते हैं वो हमारे देवताओं के लिए होता है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। एक जो मैंने लंबी बत्ती छोड़ा हुआ है वो अखंड ज्योत वाली बत्ती है, बाकी मैंने जो बत्ती बड़ी थी थोड़ा सा इसको मैंने काट दिया है। अब देखिए एक मैंने कटोरी ले लिया है, बाउल ले लिया है। आप जैसे कि दीपावली पे कोई कोई डेकोरेट करना चाहता है टेबल पे इस तरीके की कांच की कटोरिया में दीपक जला के रखता है, तो उसमें चाहे तो फूल डाल लीजिए या तो आपके घर में छोटे मोटे जैसे कलर फूल इस तरीके से बैलून वगैरह है तो वो भी डाल सकते हैं, या तो नैन पेंट डाल सकते हैं, या तो बच्चे का जो कलर वाटर कलर होता है उसको भी आप डाल के इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कलर कलर का थोड़ा सा नैन पेंट डाल दिया है, ग्रीन डाल दिया है, गोल्डन कलर डाल दिया है, और भी तरीके के इसमें डाल के आप अच्छी तरीके से जो पानी है ना इसको डेकोरेट कर सकते हैं थोड़ा सा, कि मतलब ये है कि देखने में अच्छा लगता है, या तो आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं, तो इसी तरीके से आप डाल सकते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा भी लगता है इस तरीके से। तो चलिए मैंने नैन पेंट कुछ इसमें डाल दिया। हमारे घर में दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा नैन पेंट कितने ख़राब रहते हैं, फेंक देते हैं, तो इस तरीके से पानी में डालने से थोड़ा सा एक कलरफुल लगता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है।
तो चलिए हमारा जो पानी मैंने डाल के तैयार कर लिया है, अभी जो मैंने दीपक लिया हुआ है दीपक में पानी डाल लेती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं पानी के हेल्प से दीपक को जलाने वाली हूँ, तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अगर ज़रा से भी पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए ये जो दिया है, अब मैं इससे जलाने वाली हूँ मोमबत्ती। ये जो मोमबत्ती हम ख़राब समझ के फेंक देते हैं, जो बर्थडे वगैरह में मोमबत्ती आते हैं, जो वैसे भी मोमबत्ती टूटी फूटी रहती है, हम क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इसको संभाल के रखना है। तो चलिए जब तक मैंने मोमबत्ती को गैस पर रख दिया है, गर्म हो रहा है मोमबत्ती, और इस तरीके से एक प्लास्टिक की बॉटल ले लेना है। बॉटल को देखिए मैंने जो पार्ट है थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है। अब इसको गोल शेप में कटिंग कर लेना है। अब इसको गोल शेप में बस इस तरीके से एक एक इंच के लगभग मुझे इसको कटिंग कर लेना है। तो इसी तरीके से ये दो से तीन मैं जितने दिए हैं तीन मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। तो दोस्तों बहुत इजी और आसान तरीके से आप अपने घर में इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। कोई गेस्ट आता है, मेहमान आता है, तो आपका ये जो मैंने तरीका बताया है ना डेकोरेट का, बहुत ईजीली तरीके से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने दो से तीन इस तरीके से बॉटल का काट लिया है, और काटने के बाद मैं बताऊंगी कि इसको कैसे मुझे इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब देखिए मैंने चाकू को गर्म कर लिया, ये मेरा नोखीला वाला चाकू है। तो बस चाकू को क्या करना है, हल्का से डाल के इसमें छोटा सा छेद करना है, या तो आप सुई से भी कर सकते हैं। तो छोटे छोटे छेद मैं इसमें कर ली हूँ, जितने भी मैंने बॉटल का काटी हूँ मेरे पास तीन से चार हो चुके हैं, ये तो मैंने सब में इस तरीके से छोटे छोटे छेद कर लिया है। तो चलिए मेरा छेद भी हो चुका है, अब आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ जब तक ये हमारी मोमबत्ती भी पिघल चुकी है। तो चलिए ये मोमबत्ती भी हमारी पिघल चुकी है। तो अब देखिए दिया काफ़ी गर्म है, इस चीज़ को ध्यान से करना है। अब जितनी भी बाती मैंने बनाया हुआ है, तीन बाती मुझे अच्छी तरीके से मोमबत्ती में डिबो लेना है, यानी कि चार बाती पूरी अच्छी तरीके से मुझे मोमबत्ती में डिबो लेना है। डिबोने के बाद इसको मुझे कुछ नहीं करना है, बस छोड़ देना है। ये अच्छी तरीके से जब ठंडा होगा तो अपने आप ही जितना भी मोमबत्ती है ये सोख कर लेगा। अब देखिए इस तरीके से अब मैं इसको बाहर निकाल के रख देती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से ये वर्क करेगा, ये सूख जाएगा। तो बस इसी तरीके से मैं चकली के ऊपर ही रख देती हूँ, और रखने के बाद आप देखेंगे कि ज़रा सी देर में सूख जाएगा, चाहे तो अपने हाथों से बाद में इसको प्रेस भी कर सकते हैं। अब देखिए पतली पतली बाती बहुत इजीली तरीके से बन चुका है। तो दोस्तों सिर्फ मैं इसको क्या है कि बाती को मैं मोमबत्ती में डिबो रही हूँ, और डिबोने के बाद आप इस तरीके से दिए को रात भर जला के रख सकती हैं। यकीन मानिए इस तरीके से जब दिए को जलाएंगे ना, तो आप यकीन मानिए कि बहुत इजीली तरीके से दिया हमारा देर तक के जलता है। अब देखिए जो मैंने ये बॉटल का काटा हुआ है, तो थोड़ा सा इसका जो ये जो बत्ती का हमारा मुंह है इसको थोड़ा सा ऊपर से नोखीला बनाते हुए इसको मैंने जो छेद करा हुआ है तो इसके अंदर मुझे डाल लेना है। अब देखिए इस तरीके से, जैसे कुछ अगर बत्ती बड़ी लगती है तो इसको आप कटिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए इजीली तरीके से ये ऊपर आ चुकी है बत्ती। तो दोस्तों इसकी जगह पर आप जैसे गुलाब जल की बोतलें वगैरह हैं, और कोई भी ऐसी कैप वगैरह है तो आप उसको भी ले सकते हैं, तो बहुत इजीली तरीके से। तो देखिए एक मैं सेफ्टी पिन से बत्ती को जलाने वाली हूँ, जैसे कि सेफ्टी पिन हम सभी के घर में रहता है। अब देखिए सेफ्टी पिन से मैं एक सेफ्टी पिन का ये जो होल है इसके अंदर डालने वाली हूँ। तो बहुत इजीली तरीके से सेफ्टी पिन का ये जो पत्ती का ये जो नुखीला वाला पार्ट है ना, इसको मैं थोड़ा सा सेव करते हुए अच्छी तरीके से मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अब आप देखेंगे दोस्तों कि बहुत इजी तरीके से ये हमारा ये बत्ती सेफ्टी पिन के अंदर चला जाता है, और आज मैं सेफ्टी पिन के हेल्प से बत्ती को जलाऊंगी। अब आप देखेंगे, देखते ही हैरान हो जाएंगे कि मैं कैसे बत्ती को जलाती हूँ। तो चलिए सेफ्टी पिन में चला गया है, और दो से तीन मैं इस तरीके से डाल ली हूँ। अब मुझे इसको कैसे जलाना है, अब चलिए सबसे पहले जितनी भी बत्ती मैंने बनाया हुआ है इसको मैं अटैच कर देती हूँ, मतलब दिए में रख देती हूँ। एक तो मैंने दिया बनाया है सेफ्टी पिन के लिए, और दूसरा मैंने बनाया है इस तरीके से पानी में रखूंगी बड़ी बाउल में, और तीसरा जो मैंने दो और बनाया हुआ है इस तरीके से मिट्टी के दिए में। अब देखिए बस मुझे इसको इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है। बत्ती चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, ऊपर से बत्ती गीला नहीं होना चाहिए, पानी में नहीं बिल्कुल होना चाहिए, बीचों बीच आप इस तरीके से रख सकते हैं। अब देखिए ये जो सेफ्टी पिन है ना, इसकी बत्ती अगर लगता है, दिया मेरा थोड़ा छोटा है, अगर बड़ी दिया हम जलाएंगे तो काफ़ी अच्छा वर्क करेगा ये।
अब देखिए मैंने रख दिया। अब ये जो बोतल मैंने लिया हुआ है आप देख पा रहे हैं बत्ती थोड़ी बड़ी लग रही है, तो मैं इसको कटिंग करके अब देखिए अब इस तरीके से हमें इसको अटैच कर देना है बस पानी के अंदर। अब देखिए तो दोस्तों यकीन मानिए मैं पानी के अंदर ही जूत को जलाऊंगी। अगर एक बार ही जूत ये अच्छी तरीके से जल जाएंगे ना तो यकीन मानिए कि ये जूत हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस जूत को आप जला के रखो, लेकिन ये कि डेकोरेशन के लिए आप अपने घर में दीपावली के लिए शॉपिस के लिए आप डाइनिंग टेबल पे और अपने गेस्ट रूम जो रहता है उसमें जला के इस तरीके से रख सकते हैं। तो अब देखिए मैंने जला दिया है। अब इस तरीके से दोस्तों पानी में जो बोतल ये दीपक जलते हैं ना बहुत ही अच्छा जलता है। अब इस तरीके से डेकोरेट करके आप अपने ड्राइंग रूम में अब इस तरीके से चाहे तो ऊपर से नेल पेंट वगैरह थोड़ा सा और डाल दीजिए या मोमबत्ती टपका दीजिए, मैंने थोड़ा सा और टपकाया हुआ है। तो इसी तरीके से आप अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं। अब देखिए बहुत इजी तरीके से मैंने लाइट बंद करके भी दिखाया है, इसको कहीं भी आप रख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि अगर इसमें से कोई सा भी टिप पसंद आता है आप सभी को तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, गांव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गांव कौन से शहर से देख रहे हैं, मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके से।